नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। सफ़र के तलवों को खबर नहीं थी पंखों की छाँव में घाव कितने हैं। उम्मीदों की उड़ान पे निकले हो, हाशियों को बांध के मत चलो। जब जीवन कील बन जाए तो खून आँख में उतरता है, नदी किनारों पर नहीं भीतर लाल होकर निकलती है। जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं या कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो कुछ इसी तरह के संघर्ष को हमें अपने भीतर आत्मसात करना पड़ता है ताकि हाशियों को पार करके हम सफलता की एक नई इबारत लिखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनकी उम्मीदों की उड़ानों को ना केवल पंख लगे बल्कि उन्होंने अपनी कोशिशों में सफल होकर एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मशाला के घरों के रहने वाले प्रभात ठाकुर की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसे ड्रोन का आविष्कार किया है जो ना केवल आपात स्थिति में हमारे रिमोट एरियाज़ में कोई सामान पहुँचाएगा बल्कि यह पूर्णतः स्वदेशी है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रभात ठाकुर जी का यह ड्रोन टॉप 100 में पहुंच गया है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 6000 कंपनियों ने भाग लिया था और प्रभात ठाकुर जी का यह ड्रोन टॉप 100 में पहुंच गया है। इसके साथ साथ इस ड्रोन में ऐसी बहुत सी खास बातें हैं लेकिन मैं वो खुद नहीं, प्रभात आपको खुद बताएंगे। तो बात करते हैं उनसे और जानेंगे उनके इस आविष्कार के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। नमस्कार। वैसे तो आपने अपने आविष्कार से अपने नाम का डंका हर जगह बजाया हुआ है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं धर्मशाला का रहने वाला हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक में एक्चुअली इंजीनियरिंग की हुई है तो मेरा एक्चुअली बचपन से इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इस जो मेरा शौक है उसी को अपना कैरियर बनाया जाए। तब मैंने फिर इंजीनियरिंग के बाद इस फील्ड में थोड़ा स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करने के बाद जैसे जैसे मेरे अंदर मैंने इसके रिलेटेड नॉलेज गेन करता रहा तो धीरे धीरे फिर मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। और प्रोजेक्ट पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हालाँकि काफ़ी चुनौतियाँ का सामना मुझे करना पड़ा लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार आप जो उठान लो वो आप पूरा कर सकते हो। तो बस अपने आप पर विश्वास रखते हुए फिर मैंने तकरीबन 3 से 4 साल में इस प्रोजेक्ट को हालांकि काफ़ी हद तक अब कंप्लीट कर दिया है। तो अब जैसे कि अब आपने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज में मेरा जो प्रोजेक्ट है टॉप 100 में सिलेक्ट हुआ है तो अब मुझे ये मौका मिला है भारत सरकार की तरफ से कि मैं भारत के बने अपने स्वदेशी प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर उसका इस्तेमाल अपने ड्रोन पर कर रहा हूँ। ये जो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर है ये आने वाले समय में किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है? एक्चुअली जो हम प्रोसेसर यूज़ करते थे अभी तक वो बाहर देशों से आया करता था तो इनमें ये एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसे प्रोसेसर के अंदर का जो आर्किटेक्चर होता है वो आपको पता नहीं होता है तो एक तरफ से हैकिंग के लिए भी एक रिस्की होता था ऐसे प्रोसेसर का यूज़ करना। तो इसलिए भारत सरकार को लगा कि अपना ही प्रोसेसर विकसित किया जाए ताकि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तब फिर IIT मद्रास ने और CTEC ने मिलकर भारत के पहले प्रोसेसर को विकसित किया और ये प्रोसेसर जो है वो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि ये प्रोसेसर स्वदेशी है, ओपन सोर्स है, मतलब आप भी इसके अंदर का आर्किटेक्चर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या है कोई भी देख सकता है रिगार्डिंग जिसको इसकी नॉलेज हो। तो इस प्रोसेसर को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और हमारी अपनी टेक्नोलॉजी होगी और हम अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग और ड्रोन के आविष्कार तक के सफ़र में आपको किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर हिमाचल में ऐसा काम करना एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट अभी तक था नहीं। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को पहले स्टडी करना क्योंकि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो सब कुछ अपना बना रहे हो तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। और जैसे फिर मैंने चुनौती का सामना किया, काफ़ी सॉफ्टवेयर बनाने पड़े मुझे हर फील्ड के, काफ़ी मल्टी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ा इसको बनाने के लिए। तो चुनौतियां तो बहुत आई लेकिन वो कहते हैं ना कि आप एक बार लगन हो जाए किसी चीज़ की तो आप कभी ना कभी तो वो पूरा हो ही जाता है पर आपको थोड़ा वो पेशेंस रखने पड़ते हैं।
तो टॉप 100 में आने पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे आने पे। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि मतलब मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस चैलेंज में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हिमाचल का आगे आना एक आपस में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है। लोगों की वैसे मेंटेलिटी यहाँ पे, लोग बाहर के लोग ये नहीं सोचते कि हिमाचल भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा सकता है। तो मुझे ये मौका मिला है तो मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हुई थी। तो आगे भी कोशिश करूँगा कि टॉप 25 में आने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे आविष्कार करने को और इस तरह की एक्टिविटीज़ की इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? क्या बचपन से ही ऐसा करने का होता? जी, इंजीनियरिंग में तो मेरे को बचपन से शौक था, लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की तो फिर ये जो फील्ड था ये मेरा पैशन बन गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि आगे जाके मैं इसी फील्ड में काम करूँगा। तो वहाँ से फिर मैंने सारा काम करना शुरू किया इसी फील्ड में, इसी फील्ड के रिलेटेड रिगार्डिंग नॉलेज गेन की। और लकली मेरी फील्ड भी वही थी जो इस फील्ड से रिलेटेड थी। हाँ, थोड़ी बहुत मेरे को जैसे बाकी डिपार्टमेंट का भी थोड़ा नॉलेज लेना पड़ा, क्योंकि आजकल जो भी एक प्रोडक्ट होता है वो एक डिपार्टमेंट पे काम नहीं करता है, आपको मल्टी डिसिप्लिन नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उस फील्ड पे फिर मैंने सब फील्ड की नॉलेज गेन की और फिर इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो धीरे धीरे करके टाइम लगा, लेकिन इन द एंड काफ़ी हद तक मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया, तो उस बात की मेरे को खुशी है। टॉप 25 के लिए आपके प्रयास और किस तरह की तैयारी चल रही है? प्रयास तो बहुत चल रहे हैं, क्योंकि ये जो 25 है ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो टॉप 100 सेलेक्ट हुए हैं वो इंडिया के बेस्ट हैं और उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, और जो ये प्रोसेसर है बिल्कुल नया है, इसके रिगार्डिंग हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, इसका आर्किटेक्चर पूरा समझना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश रहेगी टॉप 25 में आने के लिए। आपने ड्रोन के बारे में बताइए कि ये किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में पूरे थोड़ा दर्शन। जो मेरा ड्रोन है वो जो आपने देखे होंगे जो सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने रिगार्डिंग इसको एज ए मल्टी रोल डिज़ाइन किया है। मल्टी रोल इन द सेंस कि जो सिर्फ सर्विलेंस ना करें बल्कि और भी चीज़ों में काम आ सके। तो मेरा प्राइमरी मोड था इसका कि सर्विलेंस के साथ साथ कार्गो डिलीवरी, कार्गो डिलीवरी इन द सेंस कि जैसे रिमोट एरिया में जैसे इमरजेंसी में आपको मेडिसिन भेजनी पड़ती है, तो हर जगह जैसे पहाड़ी इलाका हमारे हिमाचल, तो हर जगह आप गाड़ियों को भेज नहीं सकते या आप उनको ऑन द टाइम डिलीवर नहीं कर सकते। तो वो ड्रोन की एक टेक्नोलॉजी है जो आपका यूज़ आप इस फील्ड में यूज़ कर सकते हो। इस फील्ड में आप ड्रोन से आप कहीं भी जल्दी से जल्दी आप कार्गो पहुँचा सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा अलग सा ड्रोन बनाया जाए जो सिर्फ एक काम ना करे बल्कि और भी काम करे। तो मैंने इसको बेसिकली एक सर्विलांस प्लस कार्गो डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया है, और क्योंकि ये डिज़ाइन करना एक अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ड्रोन जो बिल्कुल फुली ऑटोनोमस मोड पर ये काम कर सके, एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसको यूज़ काफ़ी मैंने मेहनत की इस पर, और फाइनली मेरे को लगता है कि अब मैं इस पर सफल होने जा रहा हूँ। जो इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं वो उसके लिए आपने किस तरह से हो किया, और आपने इसके लिए कोई एक ऐप भी बनाई है, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली जब मैंने इस पर काम शुरू किया था तो मोस्टली जैसे बाकी कंपनीज ड्रोन बनाती तो मोस्टली वो असेंबल्स का काम करती है, मोस्टली हमारे पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट हमें बाहर कंट्री से मिल जाते हैं तब उनको असेंबल करके बना सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बनाना है तो अपना खुद का बनाया जाए ताकि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, हम दूसरों पर डिपेंड ना रहे। तब फिर मैंने इसको बिल्कुल ज़ीरो से बनाना शुरू किया, और नेचुरली इसको ज़ीरो से बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि जैसे इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत एडवांस है, पूरा ज़ीरो से खुद बनाया है मैंने। पहले जो प्रोसेसर मैं यूज़ करता था वो आम प्रोसेसर जो मोस्टली हमारे मोबाइल्स में यूज़ होती है, उसका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, प्लस इसका एक अलग सॉफ्टवेयर जो ऐप होता है जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल करते हो, अलग अलग तरीके से इसके मोड को ऑन करते हो, इसके पूरे आप टेलीमेट्री देखते हो कि इसका अभी कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसके पूरे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप मॉनिटर करते हो, ये सब खुद का बनाया हुआ है। मतलब इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि इसका जो सॉफ्टवेयर है पूरा 100% मैंने बनाया हुआ है, प्लस इसका जो हार्डवेयर है वो 75% खुद का बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत हार्डवेयर अभी 25% मैं कह सकता हूँ बाहर से मुझे मंगाना पड़ता है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं वो भी ख़त्म कर दूँगा। ये जो ड्रोन है ये काम कैसे करता है? जैसे ये आपने बताया कि बिना रिमोट के चलेगा और इसके लिए आपने एक ऐप बनाई है, क्या वो ऐप हमें दिखा सकते हैं? अभी इसमें
ऐप की बात करें तो ये ऐप एंड्रॉयड में भी चलता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है, तो एक तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है। तो ये ऐप है इसका, जिस पे आप पूरे इसके कैमरा व्यू प्लस इसके मोड्स वगैरह इसको देख सकते हो। इसमें आप नेविगेशंस के थ्रू इसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, इस टाइम ये कहाँ पे उड़ रहा है, प्लस इसमें आप मिशन भी प्लान कर सकते हो। तो ये एक तरफ से बहुत ही एडवांस ऐप है जिस पे स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कह सकते हैं, इस ऐप के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर एंड्रॉयड यूज़र नहीं है तो आप इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस ड्रोन को यूज़ करने के लिए मतलब रिमोट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बस इसको चलाने के लिए। एक बार आपने इसका जो पर्टिकुलर मोड ऑन कर दिया, फिर आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर ही आप पहले सब मिशन प्लान कर सकते हो। मिशन प्लान करने के बाद ये फिर ऑटोनॉमस मोड पे अपने ऑटो पायलट की मदद से फ्लाई करेगा और मिशन को पूरा करेगा। 3 साल की अथक मेहनत के बाद इन्होंने इस तरह के ड्रोन का आविष्कार किया है, और इसके लिए इन्हें कहीं से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, खुद ही इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, खुद ही ऐप बनाई है। तो राज्य सरकार की या जिला प्रशासन से कोई आपको सहयोग मिला है? जी एक्चुअली अभी तक एक्चुअली मैंने इसको कहीं बताया भी नहीं था कि मैं ऐसे इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने घर पर काम कर रहा था, और क्योंकि ये ज़्यादातर हाँ मतलब इसमें आर्थिक सहायता भी जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्थिक से ज़्यादा थोड़ी मतलब आपको एकदम से थोड़ा माइंड गेम है कि आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है ये, आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब ये ड्रोन से मेरा बस ये है कि मतलब जो आने वाले युवा है जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ मतलब कोई भी ये काम कर सकता है। आजकल इंटरनेट का दौर है, उसका अच्छा यूज़ कीजिए, इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपको अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पहले का टाइम था कि आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल अब सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आप मतलब कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप गूगल के थ्रू या किसी भी और सॉफ्टवेयर वेबसाइट में आप सीख सकते हो, और मतलब कुछ भी बना सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी आपको सारे प्रोडक्ट जो भी मतलब जो भी आपको चाहिए वो ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाता है। तो मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो तो आज पॉसिबल है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में ये पॉसिबल है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। धन्यवाद सर, दिव्य हिमाचल टीवी के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो ये थे प्रभात ठाकुर। वाकई में जब हिमाचल विज्ञान के क्षेत्र में हिमाचल की उपलब्धियों को गिना जाएगा तो प्रभात ठाकुर का नाम प्रथम पंक्तियों में दर्ज किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भी इस तरफ अपना ध्यान दे और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें, और मेरी दर्शकों से भी ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हिमाचल के हर कोने में प्रभात ठाकुर की ये कहानी पहुंचे और युवाओं को इनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और इस तरह का टैलेंट जो है वो बाहर निकल कर आए। आप देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी, हिमाचल सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अपने सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ अनु शर्मा, दिव्य हिमाचल टीवी, धर्मशाला।